हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सिंह बिष्ट और मैं फिजिक्स लेक्चरर हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या उत्तराखंड बोर्ड हो, तो हम यहां पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ आपके सामने लेकर के आए हैं। और क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, और उसका एक टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अल्टरनेटिंग करंट आपको पता है, दैट टाइप ऑफ करंट विच ट्रांसफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर एसी सर्किट में आपके पास केवल इंडक्टर है तो उस समय ईएमएफ का और करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, और उसमें क्या किस तरीके से आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और कैसे वहाँ पर आप जो है उसको सॉल्व करेंगे, उसका डेरिवेशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, टॉपिक का नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो हमने एक एसी सर्किट लिया है, ये एसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये आपका यहाँ पर ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, आपको बताया अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में जो है करंट की डायरेक्शन कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, ठीक है ना। वो हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर लगातार चेंज होती रहेगी, करंट का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। अब ये क्योंकि आपके पास कॉयल है, तो कॉयल में से जब करंट फ्लो होगा तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपरेट होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑपरेट होगा तो ये क्योंकि करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, और वी नो दैट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट। तो यहाँ एक सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जो मेन ईएमएफ को अपोज करेगा, जो मेन ईएमएफ को अपोज करेगा। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा ई इज इक्वल टू होगा एल इन टू डी आई अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हालांकि ई इज इक्वल टू माइनस एल इन टू डी आई अपॉन डी टी होता है, नेगेटिव जो साइन है वो लेंज लॉ के कारण आया है, लेंज लॉ का स्टेटमेंट है। इट स्टेट्स दैट द इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट विल ऑलवेज फ्लो इन दैट डायरेक्शन वेयर इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नेगेटिव साइन हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो बैलेंस्ड कंडीशन में जो है, माना हम एज्यूम कर रहे हैं कि कैपिटल ई और स्मॉल ई माना इक्वल हैं, क्योंकि स्मॉल ई जो है वो कैपिटल ई से वैसे कम ही होगा या मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू स्मॉल ई हमने ले लिया, तो कैपिटल ई जो है आपका ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, स्मॉल ई हो गया एल इन टू डी आई अपॉन डी टी, या यहाँ से डी आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन एल, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ डिविजन में आ गया, साइन ओमेगा टी डी टी यहाँ डिविजन में है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, है ना। और हमें ये डी आई जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, हमें होल अमाउंट ऑफ करंट निकालना है। तो होल अमाउंट ऑफ करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, माना ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, है ना। तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी आई को रिप्लेस करेंगे तो ई नॉट अपॉन एल, और ये हो गया आपके पास साइन ओमेगा टी डी टी, और ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल। तो आपका आपको पता है कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट टर्म का हम जो है इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, वो केवल कोपीसीएंट की तरह बिहेव करेगा, तो बाहर आ जाएगा। अब बच गया साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। चेन रूल अप्लाई होगी, तो चेन रूल क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो चेन रूल यहाँ जो है डिवीजन में अप्लाई होगी, तो अपॉन ओमेगा टी का हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा और डॉट डी बाई डी टी ऑफ टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपको पता है कि वन होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये हो गया आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। अब कॉस ओमेगा टी को हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं माना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होगा, तो ये साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी है तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। बाकी आई इज इक्वल टू, मैथ्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा,
ये थोड़ा, ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल है, 12th फिजिक्स में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिंग करंट वाला। और ये जो चैप्टर है ये मैथमेटिकल चैप्टर है, मतलब यहाँ पे जितने भी डेरिवेशन हैं वो जो डेरिवेशन है उसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा जो है यूज होती है, तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा, जो बायो सेक्शन के स्टूडेंट है या चाहे वो मैथ सेक्शन के स्टूडेंट है, क्योंकि मैथ सेक्शन के स्टूडेंट तो उन्हें पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेकिन जो बायो सेक्शन के स्टूडेंट हैं तो उन्हें जो है थोड़ा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जनरल रूल या जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ई नॉट को अंदर ऑपरेट करेंगे तो ये ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा हो गया, तो ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास फोर्थ, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया, ठीक है ना। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, अब इक्वेशन नंबर फोर के अकॉर्डिंग जो है हम यहां पर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए सी लेंगे, है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इक्वेशन नंबर फाइव हो गया, है ना। और यहां इक्वेशन नंबर फोर और फाइव को कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव, अगर इक्वेशन नंबर फोर और फाइव को कंपेयर करें तो ये आ जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, या ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू आ गया ओमेगा एल। और ईएमएफ अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस अपोजिशन, द रेजिस्टेंस और अपोजिशन और डिसरप्शन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द पाथ ऑफ एसी, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सएल। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, इसको एक्सएल से डिनोट करेंगे। अब जो है एक फेजर डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक फेजर डायग्राम इसका हम ड्रॉ करेंगे। तो माना ये जो है आपके पास रेफरेंस लाइन हो गई, ये जो है आपकी एक रेफरेंस लाइन है, और रेफरेंस लाइन से ओमेगा टी एंगल पर हमने दिखा दिया ईएमएफ को, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, और करंट का एक्सप्रेशन जो है वो आ रहा है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो इससे पाई बाई टू एंगल पीछे, तो पाई बाई टू एंगल पीछे मतलब यहां, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। तो ये था एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में केवल इंडक्टर दिया है या कोई कॉयल दी है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल है, तो यहां जो है आपका वोल्टेज लीड करता है और करंट उसको फॉलो करता है पाई बाई टू के फेज डिफरेंस के साथ। और इसका फेजर डायग्राम हमने इस तरीके से डिनोट किया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th फिजिक्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही जो है हम आगे भी आपके सामने अलग अलग वीडियोस को लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।